मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रिसेप्शन छोड़ इस शादी में बिजी थे सलमान और अक्षय। 1 दिसंबर को मुंबई में न्यूलीवेड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रिसेप्शन पार्टी दी थी। इसमें कई नामी बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की, लेकिन सलमान खान और अक्षय कुमार नदारद दिखे। अक्षय सलमान के दीप वीर संग अच्छे रिलेशन है। पार्टी में सलमान का पूरा परिवार पहुंचा था, लेकिन सलमान कहीं नजर नहीं आए। दोनों एक्ट्रेस के दीपवीर के रिसेप्शन में ना आने की वजह का खुलासा हो गया है। दरअसल उस दौरान सलमान अक्षय थाईलैंड के फुकेट में शाही शादी अटेंड कर रहे थे। ये कुनाल समतानी और दिव्या वासवानी की एक ग्रैंड सिंधी वेडिंग थी, जो कि हांगकांग में बड़े भारतीय बिजनेसमैन हैं। शादी बेहद लाविश थी। शादी में सलमान खान, अक्षय कुमार के अलावा बॉलीवुड सिंगर एकॉन, मनीष पॉल, ईशा गुप्ता और डेजी शाह भी मौजूद थे। सलमान खान ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कमाल खान के साथ अपने सुपरहिट सॉन्ग ओ जाने जाना पर परफॉर्म करते दिखे। दीपिका पादुकोण बनी अकेली फीमेल सेलिब्रिटी। फोर्ब्स इंडिया ने भारत के सबसे अमीर सितारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ जहां बॉलीवुड के दबंग खान इस लिस्ट में फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं, तो वहीं दो स्टार क्रिकेटर यानी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने भी टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। दबंग खान को इस लिस्ट में टक्कर देने पहुंचे हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार, लेकिन इन चार सितारों के बीच अपनी सबसे ज्यादा कमाई के साथ दीपिका पादुकोण अकेली फीमेल सेलिब्रिटी बन गई हैं, जिन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है। निक संग शादी से कितनी खुश है प्रियंका चोपड़ा। अमेरिकी सिंगर निक जोनस के साथ जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में फेरी टेल वेडिंग कर प्रियंका काफी खुश है। निकियांका की रॉयल वेडिंग साल 2018 की आलिशान शादियों में शामिल हो चुकी है। मंगलवार को कपल ने दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रिसेप्शन पार्टी दी। इस दौरान प्रियंका से जब पूछा गया कि वो अपनी खुशी को 1 से 10 के पैमाने पर कितने अंक देंगी, जवाब में प्रियंका ने कहा, मैं अपनी खुशी को 12 अंक दूंगी। शादी के बाद थकान होने की बात पर एक्ट्रेस ने कहा, ये जश्न मनाने का वक्त है, थकान का नहीं। वहीं भारतीय परंपरा से शादी करने पर निक ने कहा, मैं भारतीय शादियों का फैन हूं। बता दें, निक ने हिंदू वेडिंग के दौरान पूरे दिल से रस्मों को निभाया। वो इंडियन वेडिंग में 7 फेरों की रस्म से प्रभावित दिखे। निक ने 7 फेरों के बारे में जानने के बाद कहा, प्रियंका और मुझे और फेरे लेने चाहिए। नवाजुद्दीन को मिला एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अक्सर अपनी जबरदस्त अदाकारी से सभी का दिल जीत लेते हैं। हाल ही में आई उनकी फिल्म मंटो में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया है। अपनी इस एक्टिंग की वजह से ही उन्होंने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 अपने नाम कर लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी कि उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। लेकिन नवाजुद्दीन इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी होने के कारण इस अवार्ड को लेने नहीं पहुंचे। कपिल की शादी में 60 साल पुरानी दुकान की मिठाइयां। कपिल ने कई बॉलीवुड स्टार्स को शादी का कार्ड भेजा है। इन लोकप्रिय बॉलीवुड हस्तियों मेहमानों को निमंत्रण पत्र, बॉक्सेस और मिठाइयां भेजने के लिए एक मशहूर मिठाई की दुकान को चुना गया है। कपिल और गिन्नी चतरथ ने पारंपरिक अंदाज में शादी करने की तैयारी की है। शादी के लिए जालंधर के 60 साल पुराने दुकान लवली स्वीट्स, पंजाब फॉर स्वीट्स और लवली इमेजिनेशन को शादी का आमंत्रण पत्र डिजाइन करने और मिठाइयों के लिए चुना गया है। लवली स्वीट्स के निदेशक नरेश मित्तल के मुताबिक, हमारे नए कलेक्शन को देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ आई थी। उन्होंने हमारे डिजाइन और प्रस्तुतिशाली को तुरंत पसंद कर लिया। गिनी और कपिल पारंपरिकता और आधुनिकता का बेहतरीन संयोजन चाहते थे और हमारा भव्य शाही कलेक्शन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कपिल शर्मा और गिनी चतरथ की शादी जालंधर में 12 दिसंबर को होगी। गुलशन ग्रोवर बन सकते हैं एफटीआईआई के नए चेयरमैन। खबरों के मुताबिक गुलशन ग्रोवर को सुभाष घई की फिल्म रामलखन में निभाए गए शानदार किरदार के बाद इस सम्मानित पद के लिए अप्रोच किया जा रहा है। गुलशन ग्रोवर ने अपने फिल्मी करियर में अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और नेपाली सिनेमा के लिए भी जाने जाते हैं। 63 साल के हो चुके मशहूर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने 1980 में आई फिल्म हम 5 से एक्टिंग डेब्यू किया था। फिल्म अवतार में उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना के लड़के की भूमिका निभाई थी। गुलशन ने फिल्म रामलखन में केसरिया वेलायती उर्फ बैडमैन का रोल प्ले किया था और यहीं से उनका नाम बैडमैन पड़ गया। इस फिल्म में उनका बोला गया संवाद बैडमैन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। मसाला अवार्ड में कार्तिक को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड।
एक बैंक के साथ साल की शुरुआत और बॉक्स ऑफिस नंबर तोड़कर कार्तिक आर्यन ने तेजी से 100 करोड़ में प्रवेश किया सोनू के टीटू की स्वीटी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा कार्तिक, तुरंत सभी ब्रांड्स के पसंदीदा बन गए और उन्हें देश के दिलों की धड़कन का शीर्षक दिया गया। इतना ही नहीं, कार्तिक अपने फैशन के लिए सभी फैशन डिजाइनरों के लिए पसंदीदा बन गए। कार्तिक को संयुक्त अरब अमीरात पुरस्कार 2018 ने साल का सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार दिया। कार्तिक कहते हैं कि मैं इसे पहचान को प्राप्त करके बेहद प्रसन्न हूं और इस पुरस्कार को अपने प्रशंसकों को समर्पित करना चाहता हूं। नॉटी डॉन धनुष की धमाकेदार वापसी। फिल्म मारी 2 का एक्शन से लबरेज धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में धनुष एक्शन अवतार में दस्तक दे रहे हैं और बहुत ही खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं। मारी 2 तमिल फिल्म मारी का सीक्वल है। मारी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। खास बात यह है कि धनुष ने उस समय अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है जब उनके ससुर रजनीकांत की फिल्म 2.0 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और ताबड़तोड़ कमाई भी कर रही है। रजनीकांत के ग्राफिक्स भरे हंगामे के बीच धनुष देसी टाइप के एक्शन के साथ दस्तक देने आ गए हैं। धनुष की मारी 2 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। धनुष की तमिल फिल्म का म्यूजिक युवान शंकर राजा ने दिया है। मारी 2 में धनुष के अलावा साई पल्लवी और तोविनो थॉमस लीड रोल में हैं। तोविनो थॉमस ने खतरनाक विलन का किरदार निभाया है। प्रियंका निक ने खेला नॉटी गेम। शादी होने से पहले तक निक जॉनस जरा जरा से शर्माए नजर आ रहे थे और प्रियंका काफी चंचल शरारती और मुखर लग रही थी, लेकिन शादी होते ही निक जॉनस की शरारती अदाएं कुछ यूं उभर के सामने आने लगी कि अब शर्माने की बारी प्रियंका की थी। प्रियंका निक के गीतों पर जहां झूमने लगी, वहीं नए नए दूल्हे बने निक को प्रियंका के सारे युवा रिश्तेदार तथा कजन्स ने पकड़ लिया तरह तरह के नॉटी गेम्स खेलने के लिए। किसी ने पूछा कि दोनों ने अपना सबसे पहला किस कहां और कब लिया था, तो निक ने बिंदास बता दिया कि प्रियंका के पेनिनसुला बेवरी हिल्स वाले घर की बालकनी में पहला किस लिया था। सुनते ही जहां प्रियंका शर्म से गुलाबी हो गई, वहीं वो भी इस खुलासे से इनकार नहीं कर पाई। इसी बीच प्रियंका ने शर्माते हुए अपने पति से पूछ लिया कि आपके अनुसार मैं क्या चीज सबसे अच्छा कर लेती हूं। इस पर निक का फटाफट से शरारत से भरा जवाब देना कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो, प्रियंका को फिर से शर्म से दोहरा कर दिया। और जब किसी ने पूछा कि दोनों एक साथ साथ क्या करना पसंद करते हैं, तो निक ने कहा कि हम दोनों बातें करना, एक साथ एकांत में वक्त गुजारना और बहुत कुछ करना पसंद करते हैं। इस पर प्रियंका ने नटखट अंदाज से पूछा कि और बहुत कुछ पर जोर देते हुए हंस पड़ी। लेकिन हाँ, प्रियंका ने खुद कबूल कर लिया कि वो सब कुछ कर सकती हैं लेकिन खाना नहीं बना सकती, इसलिए अक्सर बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हैं। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।